नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फिटनेस गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उधर्व धनुरासना के बारे में। उधर्व धनुरासना को हम व्हील पोज भी कहते हैं और चक्रासना भी कहते हैं। उधर्व का मतलब होता है अपवर्ड, धनु का मतलब होता है बो, एंड पोज का मतलब हो आसना। इस एक्सरसाइज को जब हम परफॉर्म्स करते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है और हमारी जो अपर बॉडी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी आती है, मसल्स काफ़ी फ्लेक्सिबल बनते हैं। इस आसना को हम परफॉर्म्स करते हैं डेली बेसिस पे तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और इंडोक्राइन ग्लैंड को भी सुधार करता है। साथ में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से हमारे जो कब्ज के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। वे अगर डेली बेसिस पे परफॉर्म्स करते हैं तो कब्ज से निजात मिलती है। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल करता है। साथ ही ये हर्निया जैसे रोग के इलाज में भी इस एक्सरसाइज का थेरेपेटिक की तरह काम कर सकता है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होते हैं, प्रॉपर सुचारू रूप से हमारे जो अमाशय है वो भी काम कर। उधर्व धनुरासना को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुपाइनेशन पोजिशंस में आते हैं। सुपाइनेशन पोजिशन मतलब दोनों पैर ऐसे सामने की तरफ लाते हैं, ठीक है, हाथ बगल में रहेंगे और फेस हमारा अपवर्ड रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ये पोजीशन होता है सुपाइनेशन का। सबसे पहले इस पोजीशन में आते हैं आराम से, धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे करते हैं। ये सुपाइनेशन है, ठीक है। अब स्टेप टू में क्या करते हैं, ये स्टेप वन हो गया। स्टेप टू में दोनों हाथों को शोल्डर के बीच ला के रोकते हैं। ये स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, दोनों पैर को अपनी हिप के पास लाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी हिप को उठाते हैं सांस लेते हुए। अब चेस्ट को भी पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, सांस छोड़ेंगे, लेते रहेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे ऊपर जाने के बाद। ये इसको पूरा ऊपर की तरफ ऐसे करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो 30 सेकेंड तक ही इस एक्सरसाइज को इस पोज में रहें, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपने चेस्ट को पहले नीचे लाएंगे, फिर हिप को नीचे लाएंगे, ठीक है। दोनों पैर ओपन करेंगे आराम से और हाथ को भी बगल में धीरे से लाएंगे। फिर पहले की स्थिति में आ जाएंगे आराम से, फिर बैठते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को डेली करना होता है। अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे अपर मसल्स जो होती हैं, हमारे ट्रेपेजियस मसल्स या स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आते हैं और स्ट्रेंथ मिलते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल बनता है। दोस्तों, ये तो हो गई इस एक्सरसाइज को परफॉर्म्स करने के तरीके। दोस्तों, मैंने जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि उधर धनुरासना को कैसे परफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि इस आसना को किसको नहीं परफॉर्म करने चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई ऑपरेशंस हैं तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल परफॉर्म्स ना करें, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे अपर बॉडी को काफ़ी ज़्यादा खिंचाव लाता है, मसल्स में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आते हैं। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड कोई काफ़ी गंभीर समस्या है तब भी इस एक्सरसाइज को ना करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति भी इस एक्सरसाइज को ना करें। दोस्तों, ये थे हमारे सेफ्टी और प्रिकॉशन से रिलेटेड बातें। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।